कहते हैं कि एटीट्यूड मेक्स मैन डिफरेंट, एंड आई एम डैम श्योर कि एटीट्यूड ही बंदे को दुनिया का सबसे धाकड़ और सबसे कमजोर बंदा बनाता है। बिकॉज ये सब आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आपके साथ होगा क्या और आप करोगे क्या। गुजरात के एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अपने माइंड गेम से पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट को हिला के चला जाता है। अंधे कानून के कमजोर रूल्स का जबरदस्त फायदा उठा के लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले हर्षद मेहता की। लोग कहते हैं कि मिडिल क्लास बंदे के सपने औकात के हिसाब से होने चाहिए, पर कुछ लोग कहते हैं कि सपनों के हिसाब से मिडिल क्लास बंदे की औकात होनी चाहिए। हर्षद मेहता ने एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने के बाद अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे और इन्हीं उतार चढ़ाव ने हर्षद के जिगरे को और भी जबरदस्त बना दिया था। मुंबई के दलाल स्ट्रीट से अपने दम पर अपनी जिंदगी को स्टार्ट करने वाला एक आम बंदा अपने जमाने का सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला बंदा बन जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बनना कोई आम सफर ना था। पर कहते हैं ना कि रिस्क है तभी तो इश्क है, और इस बंदे ने हमेशा रिस्क से ही मोहब्बत की। दोस्त, एक कामयाब और एक नाकामयाब बंदे में फर्क बस इतना है कि हर नाकामयाब बंदा पूरी तैयारी के साथ नहीं आता, और एक कामयाब बंदा अपने एक एक पॉइंट को पूरी तरह से जबरदस्त तरीके से तैयारी करके आता है। और इसी बात ने हर्षद को इंडियन शेयर मार्केट का बिग बुल बना दिया था। दोस्त, हम हर्षद की लाइफ से कई सारी चीजें सीख सकते हैं। नंबर फर्स्ट, जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है जिंदगी भर कोई बड़ा जोखिम ना लेना। कई सारे बंदे जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, पर वो जिंदगी की जिंदगी गुजार देते हैं, ना तो वो जोखिम ले पाते हैं और ना ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। दोस्त, ये बंदा इतना इंटेलिजेंट था कि अपने इशारे से कई सारे बैंक और पूरे इंडिया के शेयर मार्केट को नचा रहा था, लेकिन झूठ और गलत की ईंटों से बनी इबारत ज्यादा देर तक टिकती नहीं, जिसका अंत बड़ा दर्दनाक होता है। दोस्त, कई सारे बंदे हर्षद को जीनियस मानते हैं और बजाय 40 रुपए से 4,000 करोड़ तक का सफर और इस बंदे का माइंड गेम। पर दोस्त, जब तुम तरक्की के रास्ते में होगे तो कई सारे लोग तुम्हारे खिलाफ होगे, तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, और अगर तुमने इन सब से आगे बढ़ने का जिगरा पैदा कर लिया ना तो फिर कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हें रोक पाएगा, क्योंकि जब जेब में मनी होना तो किस्मत का सनी किसी काम का नहीं होता। दोस्त, ये बंदा कई सारे अच्छे काम करना चाहता था पर गलत रास्तों में चलकर, जो बिल्कुल गलत था। दोस्त, ये बात तो सही है कि जिंदगी को अपने दम पर जिया जाता है, औरों के दम पर तो सिर्फ बंदे के जनाजे उठते हैं। हाँ, बस पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना पैसे के आप भी कुछ नहीं हो, इसलिए पैसा कमाना चाहिए लेकिन सही रास्तों में चलकर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ही इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आपको मुझसे बात करना है तो मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। नहीं तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।